ये साल से ले ऑलराइट। सो दोस्त वो यानी जो लोग आप इससे समझ रहे हैं कि भाई उनका ए स्टार ये आ जाएगा, तो एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि वेस्ट कॉलेज में बहुत सारे सेक्शंस को पढ़ाया और मेरी क्लास में ए स्टार और ए बहुत होते थे, हर क्लास में होते थे, मेरी क्लास में भी होते थे। लेकिन ए लेवल्स का जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में ओ लेवल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हुए होते हैं, आप उससे उस परफॉर्मेंस से नीचे आ जाते हैं ए एस के अंदर एडवांस सब्सिडरी लेवल के ऊपर। उसकी रीजन ये होती है कि एक डिफरेंस है बिटवीन ओ लेवल एंड ए लेवल स्टडीज। ए ओ लेवल में भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको, लेकिन अगर आप कॉलेज से उस लेसर साइड पर है तब भी आप मैनेज कर। लेकिन ए लेवल्स के अंदर आप कोई ए या ए स्टार्स लेके आना जो है वो एक हेल ऑफ द जॉब है, और वो आपको बहुत जो है वो एफर्ट करके मेहनत करके मेंटेन करना होता है अपने आप को और प्रिपेयर करना होता है और एग्जाम में आप जाते। सो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट को अगर आपको प्रिपेयर करना है और अच्छे ग्रेड्स अगर आप लेके आना चाहते हो तो जो सबसे पहली चीज आपको होनी चाहिए या आपके जहन में चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। और मैंने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट इसे दैट कि वो उसको बहुत ज्यादा कहना ना पड़े। हाँ हमें मोटिवेट करना होता है अपने स्टूडेंट्स को और हम करते रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में एज आपकी कम होती है, लाइफ एक्सपीरियंस कम होता है, तो आप डी ट्रैक होते रहते हैं और एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतनी शामिल है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहे, जहाँ उसको फीडबैक होता है वह देखे, उसको थोड़ा सा उसका काउंसलिंग करे, उससे बातचीत करे और फिर दोबारा ट्रैक पे ले आए, ये तो होगा। लेकिन जो जो पोटेंशियल है आपका वो उसी वक्त जो है एक तरह से सामने आएगा जब आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो जो लेवल है वो हाई रखेंगे। यानी आप 25%, 20%, 30% तक नीचे आ सकते हैं, डिट्रैक्ट हो सकते हैं, फिर दोबारा आपको मोटिवेट किया जाए और फिर आप दोबारा से 90%, 95% पे आ जाए। तो अगर इस तरह से एक एवरेज आप रहेंगे बिहेव करेंगे तो आप ए लेवल्स में कंफर्म आपका अच्छा ग्रेड आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ अपने जाती एक्सपीरियंस के ऊपर। लेकिन अगर आप उससे नीचे चले जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल को नीचे ले जाके लाइक आप 50%, 55% पे एवरेज रहते तो फिर आप वो ग्रेड नहीं मिल पाते। तो नंबर एक ये है कि तमाम सब्जेक्ट्स के लिए चाहे वो मैथ्स है चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल आपका एवरेज रहना चाहिए, 80-70% पे रहना चाहिए। और फिर आखिर में जब आप एफर्ट करते हैं तो फिर आप उसको मेंटेन कर लेते हैं अपने। एक तो ये होगी बात। नाउ अब आप मैथमेटिक्स के बारे में पहले क्या आप में से कोई आदमी ये शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है कि मैथमेटिक्स जो है लर्निंग जो है वो उसने किस तरह से की? अगर कोई आदमी शेयर करना चाहता है तो शेयर करो, अदरवाइज मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं कि हाउ यू अंडरस्टैंड मैथ्स। फिर मैं थोड़ा बहुत फिर आपको सिलेबस वगैरह के बारे में और थोड़ा पेपर के बारे में बता। यस एनीवन कोई शेयर करना चाहता हो प्लीज। यस क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आप? यस स्टूडेंट क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा आपसे, आप लोग है ना क्लास में? दानिश सैयद अभी अब्बास जी नकवी जी सर, हूँ क्लास में हूँ। जी जी सर, हूँ ऑल क्लास। राइट ओके ओके। सो फॉर्मली फॉर्मली वी से मैथमेटिक्स इज अ लीनियर डिसिप्लिन एंड व्हेन वी से लीनियर डिसिप्लिन इट मींस दिस सब्जेक्ट इज लर्न इन स्टेप्स। सो
there are normally mostly or most of the mathematicians are convinced with the fact that mathematics is learned in steps, and there are basically four steps. The first one is known as understanding of the definitions, rules, and formulas and ideas. So the first formal step to learn mathematics is to learn definitions, rules, formulas, ideas. The second step is known as concept building. आप में से कोई आदमी concept और definition में फर्क बता सकता है कि what is the difference between concept and definitions? या दोनों एक ही चीज है? Yes. Anyone? Concepts are logic. And definitions? They are just to, let's just say, define them. Okay. Definition is the defining of something. And then what is concept? क्या वही चीज है concept भी या उससे कोई different identity? Definition is the explanation of a logical concept. So can you give me an example that differentiate these two things? What, sir? Can you give an example which differentiate between these two things, definitions and concept? ये हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समझ लो मैथ के दुनिया समझ लो, उसमें जो है इसको एक ही समझा जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये एक नहीं है. डेफिनेशन टर्न्ड इनटू कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन चेंज होते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर. रूल्स, फॉर्मूलाज, आइडियाज जो है वो जब वो नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बनते हैं. So there is a very, very significant difference between concept and definition. So अगर नहीं पता है तो हम आगे move करते हैं. मैं बताता हूँ आपको क्या. अच्छा, तुम लोगों को याद है, तुम लोग टेबल्स पढ़ के आए हुए हो. अगर तुम 6 को 10 से multiply करो, what answer you get? 60. ऐसे ही है? तो ये रूल है या आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन है. इसका कॉन्सेप्ट कहां पर है कि यू बॉट 6 पेंसिल्स रुपीज 10 ईच. तो हाउ मच यू पेड फॉर द 6 पेंसिल्स, दैट इज 60. सो ये जो क्वेश्चन था कि अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो फिर 6 पेंसिल कितने की होगी, तो ये जो डेफिनेशन तो पढ़ के आए थे टेबल्स की या मल्टीप्लीकेशन की, उसको आपने अप्लाई किया इस प्रॉब्लम में, तो जो आंसर आपने निकाला वो थ्रू कॉन्सेप्ट हुआ. कॉन्सेप्ट ये था कि मल्टीप्लीकेशन से टोटल अमाउंट दैट इज पेड वो निकाला जा सकता है. राइट, तो समझाया दोनों ने? यस स्टूडेंट्स, आपको फर्क समझ आया? इसको आज भी रिस्पॉन्स करो. आशीर आमिर, आपको समझ आया डिफरेंस? काइंड ऑफ. मल्टीप्लीकेशन इज द डेफिनेशन और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विच सेज दैट how much one should pay for 6 pencils if one pencil costs 10. So applying the multiplication in this problem, turn the definition of multiplication into a concept. So concept
किसी डेफिनेशन को किसी प्रॉब्लम में यूटिलाइजेशन का नाम है, कॉन्सेप्ट किसी डेफिनेशन को यूज करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फिर वो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज यू आर एबल टू यूज द डेफिनेशन इन सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, इन हैंडलिंग सम प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो दो स्टेप्स हो गए मैथमेटिक्स लर्निंग के, वन इज कॉन्सेप्ट, वन इज डेफिनेशन, देन रूल्स एंड आइडियाज, एंड देन कन्वर्टिंग रूल्स डेफिनेशन आइडियाज इनटू कॉन्सेप्ट, दैट इज अप्लाइंग इन सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। द थर्ड स्टेप विच इज वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट इज नोन एज इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आप में से कोई आदमी क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन कर सकता है? यस, एनीवन? एनीवन? कोई स्मार्ट स्टूडेंट बैठा हुआ है? भाई तुम सारे स्मार्ट लग रहे हो मुझे यार। मानू फातिमा जी सर, क्या आप बताइए, आपको वो डिफरेंस समझ आया कि डेफिनेशन कैसे चेंज होती है कॉन्सेप्ट में? जी सर। ऑलराइट, ओके, तो क्या तुम बता सकती हो क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज है? वैसे तो उसका डिफरेंट मीनिंग तो तुम, हाँ बोलिए प्लीज, गो अहेड प्लीज, गो अहेड। किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना डिफरेंट वेज में और उसके सॉल्यूशंस पे वर्क ऑन करना, उसके किसी भी प्रॉब्लम को और से देखने को कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। वेरी गुड, यानी कॉन्सेप्ट जो आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना इन अ बिगर प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको उसका फिर वहां पर जैसे आप अब कैन अगेन प्लीज, आपने बहुत अच्छे वर्ड में बताया था। सर, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना डिफरेंट वेज में और मतलब सही बोला, ये भी कहा, वेरी गुड मानो, वेरी गुड, तो सही है। एनीवन एल्स? हाँ भाई, वॉइस कोई कोई नहीं है बोलने वाला? दानिश, हसन रेहान, नकवी साहब, जुहेब हारून, मिस मेरा, आप भी कुछ बोलना चाहती है बोल दीजिए। अरे नहीं, सॉरी, यस, anyone else? अच्छा अच्छा, चलो अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करना चाहते तो कोई बात नहीं है। अच्छा एटलीस्ट ये बताइए कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग कोई फॉर्मूला बेस्ड चीज है या ये माइंड प्रैक्टिस का नाम है? सर, माइंड प्रैक्टिस। यस एग्जैक्टली, ये क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि सर फहीम जो है वो कोई दवाई वाई किसी हकीम से ले आए किसी डॉक्टर से और मेडिसिन जो है एक सुबह एक शाम दे दिया आपको और मैंने आपको कोई कोई स्टेप फॉरवर्ड का फॉर्मूला बता दिया कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे एस्टेब्लिश होती है, ऐसे एनहेंस होती है। नहीं, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे होते हैं, उन्हें उसको एनालाइज करते चले जा रहे होते हैं, तो आप आपको पता ही लगता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एस्टेब्लिश हो रही होती है। और उसकी मैनिफेस्टेशन कब होती है? जब आप कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके सामने आता है और आप उसको वर्कआउट कर ले तो आप कहते हो यार वाकई यार मेरी इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में मेरी क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टैब्लिश हो गई है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंसमेंट जो है ये एक थोड़ा सा एक वाला प्रोसेस है, नो गेन विदाउट पेन वाला है। ये शुरू में जब आप अपने डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो वहीं पर टीचर जो है वो अपने क्वेश्चंस के जरिए और अपने रिस्पॉन्सेज के जरिए आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जो वो है एलिमेंट है वो इस्टेब्लिश कर रहा होता है, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है और वो आपसे, मैं जो आपसे रिस्पॉन्स ले दे रहे जबरदस्ती कर रहा हूँ उसका रीजन यही है कि जैसे जैसे तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलते जाओगे मैं तुम्हारे बारे में समझता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है
मुझे तुम्हें गाइड करना होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्स योर टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बॉयज स्पेशली कह रहा हूँ, खामोशी से काम नहीं चलेगा, तुम लोग को स्पॉन्टेनियस होना होगा. जैसे तुम लोग अपने निकाह के दिन स्पॉन्टेनियस होगे कि मौली साहब कहेंगे तुम्हें कबूल है कबूल है कबूल है, तो तुम अभी इंतजार नहीं करोगे और यू बोलोगे यस बाबा कबूल है, टाइम ही लगा उस कबूल करने में. तो इस यहाँ पर भी तुम्हें थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस होना होगा. समझ आई मेरी बात भाई बॉयज? यस सर, यस सर, यस सर. हाँ लकी, लकी साहब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, जैसे तो इंशाल्लाह तुम लोग के निकाह के दिन आएगा ना, तो तुम लोग इतना टाइम ही लगाओगे बता दो, तुम लोग तो फॉर्म बोलोगे कबूल है भाई. तो या टीचर के साथ भी तुम लोग को, क्योंकि अच्छी मैरिज होगी तुम्हारी अच्छे ग्रेड के साथ और अच्छी लाइफ स्ट्रक्चर के साथ और कामयाब. कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आदमी अच्छे ग्रेड किया है, इंसान का अच्छा इंसान होना भी जरूरी है कामयाब होने के लिए, और अपने सब्जेक्ट को समझना उसको अप्लाई करना वो भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पर पेपर्स जो है वो बात करते हैं, स्पीक आउट जो ग्रेड्स आपके होते हैं वो आपकी शख्सियत को आपकी पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं, लिहाजा वो भी इम्पोर्टेंट चीज है. यस यस, द लास्ट स्टेप द फॉर्मल स्टेप ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग इज वो जो मानूर ने बताया था. क्या बताया था मानूर आपने? जी सर, आपने कुछ कहा था मुझे कि आपने कहा था कि थोड़ी ओ लेवल की मैथमेटिक्स को आपने कैसे कवर अप किया था? सर मैंने पास पेपर्स बहुत सारे किए थे, आपने मुझे कहा था. यस, तो मैंने आपसे क्या कहा था आप याद रखिएगा, एक वर्ड है इंडिपेंडेंट वर्किंग. ये इट वॉज इंडिपेंडेंट वर्किंग. मैथमेटिक्स लर्निंग का लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज इंडिपेंडेंट वर्क. आप डेफिनेशंस फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होती है, फिर आप जाते हैं इंडिपेंडेंट वर्किंग. इस इंडिपेंडेंट वर्किंग के एटलीस्ट 3 स्टेप्स हैं या 4 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप होता है क्लास वर्क. जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको कुछ समझाऊंगा आप समझ जाएंगे, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आप बोलेंगे ओके सर, फिर मैं कोई आपको प्रॉब्लम दूंगा आप सॉल्व करें. जैसे आप सॉल्व करने बैठेंगे खुद ये इंडिपेंडेंट वर्किंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन क्लासरूम की इंडिपेंडेंट वर्किंग नॉर्मली किस सपोर्ट के साथ चल रही होती है, आप अपने दोस्त से कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ उसकी कॉपी में आप नोट कर लेते हैं, थोड़ा टीचर से डिस्कस कर ले होते हैं. तो ये प्योर इंडिपेंडेंट वर्किंग भी होती है, लेकिन एटलीस्ट इंडिपेंडेंट वर्किंग होती है. फिर आप उस फेज में चले जाते हैं क्विजेस के फेज में कि भाई जो टॉपिक्स मुकम्मल हो गए अब क्विजेस होंगे. तो क्विजेस में फिर आपको टीचर रोकता है कि भाई आप किसी से डिस्कस ना करें. तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर जो है वो इंडिपेंडेंट वर्किंग का फेज होता है और आप सीख रहे होते हैं, गलतियां भी करते हैं और सीख रहे होते हैं. फिर नेक्स्ट फेज होता है कि आप कोई मिड टर्म एग्जाम दे रहे होते हैं या कोई और एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें और इंडिपेंडेंट वर्किंग आपकी बढ़ती है और घर जाते हैं आप होमवर्क सॉल्व करते हैं, पास पेपर सॉल्व करते हैं, सब इंडिपेंडेंट वर्किंग में आता है. लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिल रही होती. इंडिपेंडेंट वर्किंग का जो पीक है वो मार्क्स में और मार्क्स के बाद जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं वो इंडिपेंडेंट वर्किंग का पीक टाइम होता है कि भाई अब आप कैसा करने जा रहे हैं. अब वो जो पीक टाइम है वो डिपेंड कर रहा होता है क्लास वर्क होमवर्क क्विजेस एंड द कॉलेज एग्जाम्स. जितना स्टैंडर्ड वाला इंडिपेंडेंट वर्किंग आप करते हैं एट होम इन द क्लासरूम एंड क्विजेस एंड देन द स्कूल एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स, उतना स्टैंडर्ड वाला इंडिपेंडेंट वर्किंग आप फाइनल डे यानी एग्जाम में दिखा रहे हो. ठीक है, तो आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप अफकोर्स इंडिपेंडेंट वर्किंग की जो प्योर सिचुएशन है वो फौरी तौर पे हासिल नहीं होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है. लेकिन आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इन मंथ्स टाइम कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर
इंडिपेंडेंट वर्किंग पे ले आए और लास्ट 4-5 months बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वर्किंग करें, तो आप पीक जो जो फाइनल डे होगा उसके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ट्रस्ट में। तो मैथमेटिक्स जो है ये सब्जेक्ट इस एक सीक्वेंस में चलता है, आप रूल्स डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं समझते हैं, फिर उनको अपने कॉन्सेप्ट में चेंज करते हैं, फिर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पर वर्किंग कर रहे होते हैं और साथ साथ इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रही होती है। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। उसमें अफकोर्स आप चाहें तो उसमें बढ़ा सकते हैं चीजें, उसमें लव प्रैक्टिस लिया है तो प्रैक्टिस को ही हम इंडिपेंडेंट वर्किंग कहते हैं। और राइट, तो इस जो डिस्कशन मैंने आपके सामने की है इस पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट को बात करना चाहता हो तो प्लीज जरूर बात कीजिए। अब मैं एक ऐसा मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे जब भी आप कोई ऐसी बात करेंगे ना जो मेरे लिए नहीं है तो मैं आपसे लर्न करूंगा, मैं आपसे सीखूंगा। यार मुझे स्टूडेंट एक इतना अच्छा जुमला था जिससे मेरा अपने भी इन्हेंसमेंट होगी अपने अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कोई ऐड अप करना चाहता हो अच्छी चीज की कोई बात तो प्लीज जी बोलिए प्लीज। सर वो बुक का बता दें, बुक कौन सी लेनी है? अच्छा यस, बुक ये है कि देखे मेरा अब तक रूटीन ये रहा है ए लेवल्स मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो बुकलेट है ए लेवल्स की वो इतना आपको जो है फैसिलिटेट नहीं कर रही है, तो हेल्प आउट नहीं करती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ द बुक एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एक्सप्लेनेशन के बाद और कुछ अपनी एग्जाम्पल्स देने के बाद हम आपको बुक के का लेवल थोड़ा सा बुक को इंट्रोड्यूस करके बाकी पास पेपर पे आ गए। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये जो आपका बुकलेट का वो है वो मैं मिस्टर मेहरा से भी बातचीत कर लूँगा। और वैसे बुकलेट तो वही है जो नॉर्मली यूज होती है एएस के अंदर, जो तुम्हारे कॉलेज में भी होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी 2-3 बुक्स में से देख के कंपैरेटिव थोड़े से स्टडी करके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेम मेंशन कर दूंगा, अगर कोई परचेज करना चाहे तो करे, वरना मैं अपनी बुकलेट दूंगा आपको जिससे मैं एक्सप्लेनेशन के बाद उसी से प्रैक्टिस करवाऊंगा P1 की भी और S1 की। ठीक है okay, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो एक आध दिन। ठीक अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिक्स की जो कॉन्फिडेंस है ए लेवल्स में उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। इट विल टेक 5 or 10 minutes। तो देखिए देयर आर 4 components यू नीड टू ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स फॉर ए लेवल्स। P1 S1 जो है वो AS लेवल के ऊपर है और A2 लेवल के ऊपर P3 के साथ कॉम्बिनेशन या तो S2 हो सकता है या M1 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ऑप्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन चार कॉम्पोनेंट आपने पूरे करने, चाहे वो प्योर मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स हो या प्योर मैथ्स के साथ मैकेनिक्स हो, ठीक है। लेकिन इस साल जो हमारे कॉम्पोनेंट है एक P1 है और एक S1 है। अच्छा इसकी वेटेज ये है, जो AS लेवल है उसकी वेटेज 50% है ऑफ द टोटल एग्जाम और इस 50% में से 30% वेटेज जो है वो P1 का है और 20% जो वेटेज है वो S1 का है, राइट अच्छा। और इसकी डिटेल ये है कि ये जो 30% P1 का पेपर है ये आपको लर्न करने के लिए आपको अराउंड जो है एक टॉपिक जो है वो कवर अप करने पड़ेंगे 8 or 9, वो डिपेंड करता है। बात टीचर जो है वो सीरीज को और बायनोमियल को साथ रखते हैं, मैं दोनों को अलग रखता हूँ। तो इस तरीके से कि 75 marks का पेपर होगा आपका, ठीक है। और जो S1 होगा वो 50 marks का होगा, जो इसका थ्रेशोल्ड है 75 marks में तो बाद ईयर्स में 63-64 पर भी ए आ गया है, कुछ सालों में जब इजाफा हुआ तो 67-68 पर भी गया है, लेकिन एट एन एवरेज ये 65 तक अगर आपके मार्क्स आ गए आउट ऑफ 75 तो आपका ए आ जाता है P1 में
और जो S1 है उसमें एक एवरेज जो है वो 42-43 है, 12 सालों में 40 पर भी थ्रेशहोल्ड दिया है, डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली जो है इसका एवरेज यही रहता है 41-42 मार्क्स पे ए आ जाता है। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें P1 को और S1 को, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टी S1 में होती है, क्योंकि ये मेनली डिपेंड करता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर, IQ कितना अच्छा है आपका। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि आप जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो S1 जो है वंस एक मतलब समझ आ गया तो उसकी वर्किंग बहुत छोटी है, 3-4 स्टेप में मुकम्मल हो जाता है। और P1 में क्योंकि वो प्योर मैथ्स है, अच्छा प्योर मैथ्स थोड़ा सा आप लोग सिमिलर है प्योर मैथ्स से कि प्योर मैथ्स क्या चीज है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि व्हेन वी से प्योर मैथ्स हम क्या मतलब लेते हैं इससे? जो जो मैथमेटिक्स अप्लाई होता है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, विद इन मैथमेटिक्स और अदर देन मैथमेटिक्स, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे बिजनेस स्टडीज में हो, कहीं पर भी, तो वो प्योर मैथ्स कहलाता है। तो प्योर मैथ्स का जो P1 है आपका, उस वो मेरे नजर में उसमें एक आध टॉपिक में क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा है, वरना अदरवाइज ये जो है मेरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी इंडिपेंडेंट वर्किंग होगी, वंस जब आपके डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो आप जब से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि P1 ज्यादा आपको बॉदर नहीं करेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एड मैथ किया है या नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। और मैं एक आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो ए लेवल्स का मैथमेटिक्स ने लिया, वो कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो उनके उनकी परफॉर्मेंस साइंस वालों से भी अच्छी नहीं, ट्रस्ट मी। इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ना, कि आप लोगों का वो चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, वो अकाउंटेंसी और बिजनेस और इकोनॉमिक्स से एकदम आप एक दूसरे साइड के सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो और इंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के, इंशाल्लाह आप लोग भी आएंगे। S1 ज्यादा थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिहाज से, लेकिन मुझे अपनी टीचिंग पर भरोसा भी है, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद भी है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह डेवलप हो जाए। ठीक है, तो कोई बात अगर आप लोगों को डिस्कस करनी हो प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। यस स्टूडेंट, बुकलेट मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो इंशाल्लाह ताला आप लोग से क्लास के बाद मुझसे डिस्कशन करना है, तो वो इंशाल्लाह डिजाइन हो जाएगी, जैसा और टीचर्स की मिलती है ये भी मिल जाएगी आप लोगों को। हम सही मालूम इंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ टीचिंग और लर्निंग में, फेस टू फेस में। अफकोर्स आप जानते हैं ऑनलाइन टीचिंग जो है, अच्छा एक बात मुझे और करनी है, ये बताइए कि आप लोग इस ब्रॉडर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं लाइट उसके साथ अरेंजमेंट के साथ, जैसे जैसे आप लाइट पढ़ रहे हैं बोर्ड बड़ा बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, वो सही ज्यादा बेहतर है? यस सर, लाइट थोड़ी पड़ रही है बोर्ड पे, इसलिए मुझे नजर इतना सही से नहीं आ रहा। वो सब सही हो जाएगा, वो जो इशू है ना, जो आपका जो वाला इशू है लेवल के विजिबिलिटी कैसी है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे, अभी जो मैंने रूम थोड़ा सा जो है वो रूम खोला हुआ है, तो वो उसकी वजह से रोशनी उतनी आ रही है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम बोर्ड टीचिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ ये इश्यू नहीं होगा विजिबिलिटी का। तो अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम अगर नहीं हो, तो ये बताइए मेरी वॉइस मॉडल कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, वीडियो में कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं स्टॉप तो नहीं हुआ कहीं रास्ते दरमियान में कहीं पर भी? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड, ओके। तो ये बताइए आप लोगों को अभी इस रूम में रहना है या आप लोग मेरे साथ लीव करेंगे? नेक्स्ट सेशन कब है आप लोगों का? सर 1 बजे। 1 बजे, ओके। तो सही है, फिर हम आज का सेशन इंशाल्लाह यहाँ पर लेसन ऑफ करते, तो होपफुली जो कुछ डिस्कशन हुआ है वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, कल है या जब भी है वो,
मैं टाइम टेबल लिखूंगा, तो पी वन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा इसका वो ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप का, तो जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा या जो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए घर से दूंगा, वो मैं व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर्स मेन टाइम डालता रहूंगा जब तक कि आप लोग को बुकलेट नहीं मिल जाती, ठीक है। तो मैं आंसर्स भी आपको भेजता रहूंगा ताकि आप लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके किसी हिस्से में भी तो प्रॉब्लम हो किसी के, अब क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन में आ गए। नाम याद है आप लोगों को मेरा या भूल गए? याद है, याद है, याद है, शुक्रिया। अच्छा, और वो निका वाला वो याद है एग्जाम्पल? जी जी बिल्कुल याद, वेरी गुड, थैंक यू यार। ठीक है, इंशाल्लाह तो फिर लगा दो कि आप लोग के नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।